बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैं आज बना रही थी पेनकेक। पेनकेक सुबह के नाश्ते में भी हम खाते हैं और शाम की चाय के साथ भी मज़ा लेते हैं, ठीक है? तो ये आज बनेंगे पेनकेक। 1 कप मैंने मैदा ये ले लिया है, आपको नज़र आ रहा है थोड़ा। ये मैं अभी खुश्क इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ लिक्विड वाला। तो ये चुटकी नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे बेकिंग पाउडर। मैदा मैंने छान लिया था और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, ठीक है? लिया है जूस वाला जग, एक जग ले लिया है जूसर का, ब्लेंडर, ठीक है? इसमें डालेंगे हम मिल्क। ये है 1 कप मिल्क और ये 7 से 8 टेबल स्पून के करीब है चीनी। आप कितना मीठा खाते हैं ये भी आपको देखना है कि आप कितना मीठा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये किया है, और अगर चाहें तो जब हम बीटर इसका करेंगे तो उसमें देख लेंगे, चख लेंगे चीनी कि आपको कितनी पसंद है, ठीक है? मैंने फ़िलहाल 8 टेबल स्पून के करीब चीनी डाल दी और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिया ऑयल। 1/2 टीस्पून के करीब डाल दिया वेनिला एसेंस, 1 अंडा, और अच्छी तरह से हम इसे बीट कर लेंगे, ठीक है? 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये हो गए 4 से 5 मिनट बीट होते हुए, तो हम बंद कर देंगे अब। तो ये लिया हमने मैदा और इसमें हम मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है दूध कम पड़ जाए, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध इसकी थिकनेस देखकर डाल सकते हैं। वैसे ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन 1-2 टेबल स्पून मैं डालूंगी। तो हमारा बेटर हो गया ये तैयार, और करते हैं बनाने की तैयारी। ये देखें, ठीक है? 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ सिरका, तो इससे अच्छे फ्लॉफी बनेंगे। ठीक है, और रख देते हैं हम 15 मिनट के लिए। पैन चूल्हे पर रख दिया है और इसमें लगाएंगे हम पैन में हल्का सा बटर। ये हम इस तरह से फैला लेंगे, ठीक है? ब्रश नहीं, मैंने पता नहीं अभी कहाँ रख दिया है, वरना उससे हम फैलाते, ठीक है? और ये मैंने ले लिया एक नाप, ठीक है? तो ये एक एक मग्गा भर के इसमें डालेंगे और हल्की आंच रखेंगे हम अपनी। सेंटर में हम डालेंगे और मैं एक एक ही मग्गा रखूंगी फिलहाल। इसका ही लिया है छोटा वाला एग वाला, ठीक है? बस इसी साइज के ये बनेंगे सारे। तो ये पेनकेक पे ये हल्के हल्के से बबल बन गए हैं, तो हम चेंज करके पलट कर देखते हैं कि ये वहाँ से किस तरह से सीखा है, ठीक है? या भी ज़रूरत है। और सीख गया ये इस तरह से हल्का। कलर अच्छा आया है यहाँ से। ये मैंने दूसरी तरफ से भी हो गया है।
तो ये तैयार हो चुका है दोनों तरफ से, ये देखें बस कलर बहुत अच्छा आ गया है, ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, ठीक है। और हम उतार लेंगे और दूसरा डालेंगे। मैंने ये डाल दिया है मक्खन, और हम डालेंगे फिर से रिपीट करेंगे वही प्रोसीजर। एक ये अभी मैंने जो उतारा है ये इतने मज़े का लग रहा है, ये मैंने उतार कर गरम गरम चख कर देख लिया है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, और चाय के साथ जब हम खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत मज़े का लग रहा है। हम पलट देंगे, इसके भी ऊपर बबल बन गए हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे इसी तरह से तैयार करूँगी, ठीक है। दो आपको करके दिखा दिए हैं, और ये बाकी के कितने बनते हैं इस लिक्विड से, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कितने बने हैं। ये एक कप उससे मैदे से, ठीक है, बहुत ही मज़े के, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है अभी, बिल्कुल मैंने खा कर देखा है बहुत ही। और एक तो वो जो मैं खा के चक्कर देख रही थी, एक तो वो बच्चा लेकर भी भाग गया, ठीक है। तो मैं सारे बनाकर इस तरह से आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, ये पेन केक बिल्कुल तैयार है, बहुत ही कलर प्यारा सा आया है, कोई जले रही हैं, कोई ज़्यादा कच्चे नहीं रह गए हैं। तो बने हैं एक तकरीबन आधा पाव से थोड़ा कम मैदा था, और 6 यानी 80 ग्राम के करीब थी चीनी, और 40 से 50 ग्राम ऑयल, ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला मैंने, ठीक है, चुटकी नमक, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर हमने बीट किया। एक अंडा हमने अच्छी तरह से इसको बीट किया, मिक्स किया, हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, एक मग बनाया है नाप का, और एक एक मग हम डालते रहे, एंड में थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो ज़्यादा हो गया, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, 5 मग्गे फुल मैंने इसके बना लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा तैयार हो गया, शाम की चाय के साथ भी और सुबह के नाश्ते के लिए भी। आप चाहें तो ये मक्खन है, आप चाहें तो इस पर लगा लें, जिसका दिल करे मक्खन, किसी को कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं लगाए, और जिसको नहीं है वो मक्खन भी लगा के इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने मक्खन भी लगा दिया इसके ऊपर, आप चाहें तो ज़्यादा, आप चाहें तो कम, जितना जो चाहे खाए आप मक्खन, आप मक्खन का किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं और पहली मरतबा देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर देखते आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर किसी और रेसिपी मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ करें, अल्लाह हाफिज़।